से आप जानते हैं कि इस देश में आजकल एक बड़ा संकट और अन्याय हो रहा है, और वो ये है कि 1.5 साल से स्कूल बंद है। और झारखंड जैसे राज्यों की बात करें जहां अभी हम लोग बैठे हैं, तो वहां अभी भी स्कूल खोलने की कोई तारीफ नहीं है और कोई बात ही नहीं है, जबकि अब स्कूल बंद रखने का कोई तर्क नहीं है। और इतना बड़ा लॉकआउट होने का बहुत बुरा प्रभाव हो रहा है, न केवल बच्चों की पढ़ाई पर लेकिन उनकी स्वास्थ्य और पोषण पर भी। तो इस लॉकआउट का प्रभाव समझने के लिए हम लोग पिछले महीने में, अगस्त के महीने में 15 राज्यों में एक सर्वे किए हैं, जिसको स्कूल सर्वे बोलते हैं। स्कूल माने स्कूल चिल्ड्रंस ऑनलाइन एंड ऑफलाइन लर्निंग सर्वे। इसमें कुछ 60-80 वॉलंटियर लगे हुए हैं, और देश के अलग अलग जगहों में गरीब परिवार से मिले हैं, शहर बस्ती में या ग्रामीण क्षेत्र में, गांव में, और ख़ास करके इस तरह के गांव में जहां दलित, आदिवासी और वंचित समुदाय रहते हैं। और करीब 1400 घरों का सर्वे किए हैं, और एक एक घर में एक बच्चा का इंटरव्यू किए हैं जो प्राथमिक या उच्च प्राथमिक स्कूल में नामांकित है। तो संक्षेप में, और मैं केवल ग्रामीण क्षेत्र की बात करूँगा क्योंकि समय कम है, संक्षेप में इस सर्वे से कई चीज़ें सामने आई है। पहले ये है कि गरीब बच्चों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई कोई फ़ायदा नहीं कर रहा है। उस सर्वे में करीब ग्रामीण क्षेत्र में करीब केवल 8% बच्चे थे जो नियमित रूप से ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। और इसका कारण केवल ये नहीं है कि स्मार्टफोन घर में नहीं है। आधे घरों में स्मार्टफोन था, लेकिन फिर भी उन घरों में बहुत कम बच्चे थे जो ऑनलाइन पढ़ते हैं। तो ऑनलाइन पढ़ाई में कई तरह के समस्याएं होते हैं। कभी कभी स्मार्टफोन नहीं घर में, कभी है लेकिन बच्चे के पास नहीं रहता है, कभी कनेक्टिविटी का समस्या है, कभी रिचार्ज के लिए पैसे नहीं है, कभी स्कूल ऑनलाइन मटेरियल भेज नहीं रहे, कभी भेज रहे हैं लेकिन बच्चों को ठीक से समझ नहीं आ रहा है, या घर में इस तरह का माहौल नहीं है जिससे नियमित रूप से बच्चा ऑनलाइन पढ़ाई करे। तो तरह तरह के समस्याएं हैं। तो जहाँ तक गरीब बच्चे की बात है, हमको लगता है कि ऑनलाइन पढ़ाई भूलना पड़ेगा। दूसरा, जो ऑफलाइन बच्चे हैं जो ऑनलाइन नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो बहुत मुश्किल से पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है। कुछ ही बच्चे हैं जिनके घर में थोड़ा पैसे हैं, वो प्राइवेट ट्यूशन जा रहे हैं और नियमित रूप से पढ़ रहे हैं, और कुछ ही बच्चे हैं जिनके माँ बाप थोड़ा ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, या कोई बड़ा भाई या बड़ी बहन है जो उनको टाइम टू टाइम पढ़ाते हैं, लेकिन बाकी बच्चे या टाइम टू टाइम अपने आप घर में बैठे पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, या ज़्यादातर पढ़ाई छोड़ दिए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में हमें आधे बच्चे मिले हैं जिन्होंने बिल्कुल पढ़ाई छोड़ दिए हैं। तो पढ़ाई नहीं होने का एक नतीजा ये है कि जो पहले बच्चे सीखे थे स्कूल में थोड़ा बहुत, वो भी भूल रहे हैं। हमारे सर्वे में एक रीडिंग टेस्ट था, इससे पता चला कि 8 और 12 साल के बीच की उम्र के बच्चे जो है, उसमें से आधे बच्चे थे जो एक बहुत सिंपल सेंटेंस भी नहीं पढ़ रहे थे जितना प्रयास कर रहे थे। और Grade 3 की बात करें तो उसमें 75% बच्चे थे जो उस सेंटेंस को नहीं पढ़ पा रहे थे। Grade 3 के बच्चे ऐसे बच्चे होते हैं जो लॉकडाउन के पहले Class 1 में थे, थोड़ा बहुत सीखे हैं क ख ग ABCD, फिर लॉकडाउन शुरू हुआ है, 1.5 साल से घूम रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, तो अभी मोस्टली सब भूल गए हैं। लेकिन इन बच्चों को फिर से ख ख ग घ सीखने का मदद करने के बदले में इनको सीधा अभी Class 3 में डाल दिया गया है, और कुछ महीने के बाद उनको Class 4 में डाल दिया जाएगा, जिसमें उनको मोटे मोटे इंग्लिश किताब दिए जाएंगे, जबकि अभी क ख ग घ भी ठीक से नहीं याद कर रहे हैं। तो इन बच्चों को फंसाया जा रहा है, और अगर पूरा करिकुलम और पेडागोजी में सुधार नहीं लाया जाएगा तो इन बच्चों का कोई चांस नहीं है, वो लोग डिफैक्टो ड्रॉपआउट बन जाएंगे या बाल मजदूरी शुरू करेंगे। तो उस सर्वे में 75% माँ बाप ऐसे थे जिनको साफ कहना था कि हमारे बच्चे की पढ़ाई पढ़ने लिखने का क्षमता पहले से कम हो गया। और ग्रामीण क्षेत्र में
97% माँ बाप थे जिन जो चाह रहे हैं कि स्कूल जल्दी से जल्दी खोलें। तो हमको लगता है कि अभी स्कूल बंद रखने का कोई तर्क ही नहीं है। हम ये नहीं कर रहे कि तुरंत नॉर्मल क्लासेस हो जाएं, कोरोना से जरूर बचना है तो ध्यान रखना है, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ तो किया जा सकता है बच्चों के लिए। छोटे ग्रुप में क्लास कर सकते हैं, ओपन एयर क्लासेस हो सकते हैं, टीचर होमवर्क दे सकते हैं, घर घर जा सकते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ किया जा सकता है। अगर आप स्कूल बंद कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप कहते हैं कि अभी ये स्थिति आई है कि हम बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। ये हो ही नहीं सकता, ये संभव नहीं है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी स्कूल खोलें, और न केवल खोलें लेकिन इस पूरा संकट का इलाज करने के लिए और बच्चों का पढ़ाई, स्वास्थ्य और पोषण को फिर से रिपेयर करने के लिए पूरा एक प्लान बनाया जाए, जो न केवल 3-4 महीने का शॉर्ट टर्म ब्रिज कोर्स है, ऐसा कोई कॉस्मेटिक मेजर हो, लेकिन सस्टेन स्ट्रेटजी कई साल तक, जिससे कम से कम बच्चों को मौका मिले। We are truthful, unafraid and independent because of you. Now you can help our reporting from the ground. Go to thequint.com, click Become a Member tab, choose a plan and pay. Because the truth is worth it.